हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में त्रिभुज पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा तो त्रिभुज से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो सबसे पहले समझेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? तो 180 डिग्री होता है। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज आपको पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 80 डिग्री हो तो कोण सी का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, इसमें कोण ए बराबर 60 डिग्री है और कोण बी बराबर 80 डिग्री है। तो बोल रहा है कि कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण सी का मान कैसे निकलेगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पे देखिए, कोण ए का मान कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री, और यहां पे प्लस है तो प्लस, और कोण बी का मान कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है। तो यहां पे लिख देंगे 80 डिग्री, और प्लस कोण सी है तो यहां पे लिख देंगे कोण सी, क्योंकि कोण सी का मान हमें निकालना है और बराबर के उधर 180 डिग्री है तो हम यहां पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब इसे आपको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो 60 डिग्री और 80 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा? 140 डिग्री हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कोण सी है तो यहाँ पे लिख देंगे कोण सी बराबर है, तो बराबर 180 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ से आपको कोण सी का मान निकालना है, तो 140 डिग्री इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा? घटा देगा। तो बराबर के इधर बचेगा हमारा कोण सी, और बराबर के उधर हमारा है 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए, 140 जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा? घटा देगा। तो यहाँ पे देखिए, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से 140 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 40 डिग्री बचेगा, यानी कोण सी का मान कितना निकल गया? 40 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 डिग्री है तथा एबी भुजा 3 और बीसी भुजा 4 हो तो एसी भुजा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है, और एबी भुजा यहाँ पे 3 दिया गया है, और बीसी भुजा यहाँ पे 4 दिया गया है। तो बोल रहा है कि एसी भुजा ज्ञात करें। तो AC क्या है? तो ये 90 डिग्री का सामने का भुजा है, तो ये कर्ण है, तो यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना है। और AB क्या है? तो AB लंब है। और यहाँ पे BC क्या है? तो BC आधार है, तो यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा? तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको कर्ण का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए।
ये, तो यहां पे इसको वैसे ही छोड़ देते हैं कर्ण का स्क्वायर। और यहां पे देखिए लंब कितना दिया है, तो लंब यहां पे 3 दिया है, तो यहां पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है, तो हम यहां पे इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। और आधार कितना दिया है, तो आधार 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4 और इसका भी स्क्वायर है, तो हम यहां पे स्क्वायर दे देंगे। अब यहां पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो हम यहां पे 16 लिख देंगे। अब यहां पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 और 16 जोड़िएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब यहां पे आपको कर्ण का मान निकालना है, लेकिन यहां पे कर्ण का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है कि स्क्वायर को बराबर के इधर भेजना है, तो स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा, और यहां पे 25 है तो रूट के अंदर आपको 25 लिखना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया, और एसी क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, यहां पे एसी का मान 5 निकल गया, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांग सम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से है, ए ऑप्शन है समकोण त्रिभुज से, बी ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, सी ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से है, तो समकोण त्रिभुज से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 दिया है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी भुजाओं का अनुपात दिया रहे और बोले कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल गया, 9:25 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो बोल रहा है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और बोले कि भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों को रूट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात कितना निकल जाएगा, 4:5 निकल जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह कौन सा प्रमेय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यह कौन सा प्रमेय है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC है, तो X का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आकृति में DE समानांतर BC दिया गया है,
तो आपको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे DE समानांतर BC दिया गया है। तो जब DE समानांतर BC होता है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगता है, और जब इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा तो भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी, यानी AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं भुजाओं को अनुपातिक, तो यहाँ पे देखिए AD और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे DB हो जाएगा, और बराबर इधर से हो जाएगा हमारा AE, और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं EC। अब यहाँ पे देखिए AD का मान कितना दिया है, X दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे X, और BD का मान कितना दिया है, 16 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 बराबर है तो बराबर, और AE का मान कितना दिया है, 34 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 34, और EC का मान कितना दिया है, 17 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब इस 17 से ये 34 कट जाएगा, इसे कटा दीजिए, 17 एकम 17 और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बट्टा 16 बराबर, यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2/1 बचा। अब आपको क्या करना है, क्रस मल्टीप्लाई कर देना है, तिरछा तिरछी गुणा करा देना है। तो x में 1 से गुणा होगा तो x ही रहेगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 32 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC है तो X का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस आकृति में DE समानांतर BC है तो यहाँ से आपको X का मान निकालना है। तो X का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि DE समानांतर BC है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए AD और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे DB हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AD बट्टा DB, और बराबर इधर से देखिए AE, यहाँ पे लिख देंगे AE, और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं EC, यहाँ पे आपको AD का मान रखना है, तो AD यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4, और DB का मान कितना है, X है, तो यहाँ पे लिख देंगे X बराबर है तो बराबर, और AE का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और EC का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब ये कट रहा है, इसे कटा दीजिए, 2 एकम 2, और 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4/x बराबर 1/4। अब आपको क्या करना है, क्रस मल्टीप्लाई करा देना है। तो x में 1 से गुणा होगा तो ये x ही रहेगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया, 16 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, यदि AD बटा DB बराबर 5/3 हो तो AE बटा EC ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC जिसमें क्या है, DE समानांतर BC है, तो यहाँ पे हम DE लिख देते हैं, और ये DE समानांतर BC है, तो आपको यहाँ पे AD बटा DB बराबर 5/3 दिया है, ये AD बटा DB बराबर 5/3 दिया है, तो बोल रहा है कि AE बटा EC ज्ञात कीजिए। तो यहां भी थेल्स प्रमेय लगेगा, और भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी। तो हम यहां पे लिख देते हैं AD बटा DB, और बराबर इधर से क्या हो जाएगा, AE, और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे EC हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AD बट्टा DB का मान दे दिया है 5/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/3, और बराबर यहाँ पे देखिए AE बट्टा EC का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AE बट्टा EC। तो यहाँ पे देखिए AE बट्टा EC का मान कितना निकल गया, 5/3 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC है तथा AD बट्टा AB बराबर 5/6 है, यदि AE बराबर 5 हो तो AC का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे DE समानांतर BC दिया है, और यहाँ पे AD बट्टा AB यहाँ पे कितना दिया है, 5/6 दिया है, और यहाँ पे AE कितना दिया है, 5 दिया है।
तो बोल रहा है कि एसी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका अनुपात कैसे लिया है, तो यहाँ पे देखिए एडी बटा एबी लिया है, तो हम भी ऐसा ही अनुपात लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एडी और बटा क्या होगा, यहाँ पे एबी हो जाएगा, और बराबर इधर क्या होगा एई, तो यहाँ पे लिख देते हैं एई, और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे एसी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एसी। अब यहाँ पे देखिए एडी बट्टा एबी का मान कितना दिया है, 5/6 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/6 बराबर है तो बराबर, और एई का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और आपको एसी का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, क्रस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है, तो एसी में 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 एसी हो जाएगा, और इधर 6/5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एसी का मान निकालना है, तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी एसी बराबर क्या हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा, और 5 से 30 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे एसी का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि एल समानांतर एम हो तो डी का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एल समानांतर एम है तो इस डी का मान आपको ज्ञात करना है, तो इस डी का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के बना अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जब इन दोनों कोणों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, 3D प्लस 50 डिग्री और प्लस यहाँ पे 2D प्लस 20 डिग्री। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए 3D और 2D कितना होता है, यहाँ पे 5D होता है, और 50 डिग्री और 20 डिग्री कितना होता है, 70 डिग्री होता है, और बराबर के उधर 180 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको D का मान निकालना है, तो 70 डिग्री इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटा देगा, यानी यहाँ पे 5D बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 5D बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटेगा, 110 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे आपको D का मान निकालना है, तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर जाके भाग करेगा, यानी 110 डिग्री बट्टा 5 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो डी का मान कितना निकल गया, 22 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आकृति में ए का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे जो ये आकृति दिया है इसमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी अगर सीधा रेखा होता है तो इस पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है, तो यहाँ भी 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री दिया है और यहाँ पे ए दिया है, तो ये दोनों कोण मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री प्लस ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको ए का मान निकालना है, तो 60 इधर जोड़ रहा है तो इधर आके घटा देगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये 120 डिग्री बचेगा, यानी ए का मान कितना निकल गया, 120 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दिए गए आकृति में ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ से आपको कोण ए का मान निकालना है, और जितना आएगा आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।